गिनती की पुस्तक अध्याय पांच। गिनती की पुस्तक अध्याय पांच। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वे सब कोढ़ियों को और जिनों के प्रमेह हो और जितने लोथ के कारण अशुद्ध हो उन सबों को छावनी से निकाल दे। ऐसों को चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री छावनी से निकालकर बाहर कर दे, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी छावनी जिसके बीच मैं निवास करता हूं उनके कारण अशुद्ध हो जाए। और इस्राएलियों ने वैसा ही किया, अर्थात ऐसे लोगों को छावनी से निकालकर बाहर कर दिया, जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था, इस्राएलियों ने वैसा ही किया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जब कोई पुरुष व स्त्री कोई ऐसा पाप करके जो लोग किया करते हैं यहोवा का विश्वासघात करे और वह प्राणी दोषी हो, तब वह अपना किया हुआ पाप मान ले और पूरे मूल में पांचवा अंश बढ़ाकर अपने दोष के बदले में उसी को दे जिसके विषय दोषी हुआ हो। परंतु यदि उस मनुष्य का कोई कुटुंबी न हो जिसे दोष का बदला भर दिया जाए, तो उस दोष का जो बदला यहोवा को भर दिया जाए वह याजक का हो और वह उस प्रायश्चित्त वाले मेंढे से अधिक हो जिससे उसके लिए प्रायश्चित्त किया जाए। और जितनी पवित्र की हुई वस्तुएं इस्राएली उठाई हुई भेंट करके याजक के पास लाए वे उसी की हो। सब मनुष्यों की पवित्र की हुई वस्तुएं उसी की ठहरे, कोई जो कुछ याजक को दे वह उसका ठहरे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि यदि किसी मनुष्य की स्त्री कुचाल चलकर उसका विश्वासघात करे और कोई पुरुष उसके साथ कुकर्म करे, परंतु यह बात उसके पति से छिपी हो और खुली न हो और वह अशुद्ध हो गई, परंतु न तो उसके विरुद्ध कोई साक्षी हो और न वह कुकर्म करते पकड़ी गई हो और उसके पति के मन में जलन उत्पन्न हो, अर्थात वह अपने स्त्री पर जलने लगे और वह अशुद्ध हो गई हो व उसके मन में जलन उत्पन्न हो, अर्थात वह अपनी स्त्री पर जलने लगे परंतु वह अशुद्ध न हुई हो, तो वह पुरुष अपनी स्त्री को याजक के पास ले जाए और उसके लिए एपा का दसवां अंश जव का मैदा चढ़ावा करके ले आए, परंतु उस पर तेल न डाले न लोबान रखे, क्योंकि वह जलन वाला और स्मरण दिलाने वाला अर्थात अधर्म का स्मरण कराने वाला अन्न बलि होगा। तब याजक उस स्त्री को समीप ले जाकर यहोवा के सामने खड़ी करे और याजक मिट्टी के पात्र में पवित्र जल ले और निवास स्थान की भूमि पर की धूली में से कुछ लेकर उस जल में डाल दे। तब याजक उस स्त्री को यहोवा के सामने खड़ी करके उसके सिर के बाल बिखराए और स्मरण दिलाने वाले अन्न बलि को जो जलाने वाला है उसके हाथों पर धर दे और अपने हाथ में याजक कड़ुआ जल लिए रहे जो शाप लगाने का कारण होगा। तब याजक स्त्री को शपथ धरवाकर कहे कि किसी पुरुष ने तुझसे कुकर्म न किया हो और तू पति को छोड़ दूसरे की ओर फिर के अशुद्ध न हो गई हो, तो तू इस कड़ुए जल के कुएं से जो शाप का कारण होता है बची रहे, पर यदि तू अपने पति को छोड़ दूसरे की ओर फिर के अशुद्ध हो गई हो और तेरे पति को छोड़ किसी दूसरे पुरुष ने तुझसे प्रसंग किया हो और याजक उसे शाप देने वाली शपथ धराकर कहे, यहोवा तेरी जांघ सड़ाए और तेरा पेट फुलाए और लोग तेरा नाम लेकर शाप और धिक्कार दिया करे, अर्थात वह जल जो शाप का कारण होता है तेरी अतड़ियों में जाकर तेरे पेट को फुलाए और तेरी जांघ को सड़ा दे, तब वह स्त्री कहे आमीन आमीन। तब याजक
ये शाप के शब्द पुस्तक में लिखकर उस कड़ुए जल में मिटा के उस स्त्री को वह कड़ुआ जल पिलाए जो शाप का कारण होता है, और वह जल जो शाप का कारण होता उस स्त्री के पेट में जाकर कड़ुआ हो जाएगा, और याजक स्त्री के हाथ में से जलने वाले अन्न बलि को लेकर यहोवा के आगे हिलाकर वेदी के समीप पहुंचाए, और याजक उस अन्न बलि में से उसका स्मरण दिलाने वाला भाग अर्थात मुट्ठी भर लेकर वेदी पर जलाए, और उसके बाद स्त्री को वह जल पिलाए, और जब वह उसे पी चुके तब यदि वह अशुद्ध हुई हो और अपने पति का विश्वासघात किया हो तो वह जल जो शाप का कारण होता है उस स्त्री के पेट में जाकर कड़ुआ हो जाएगा और उसका पेट फूलेगा और उसकी जांघ सड़ जाएगी और उस स्त्री का नाम उसके लोगों के बीच शापित होगा। पर यदि वह स्त्री अशुद्ध न हुई हो और शुद्ध ही हो तो वह निर्दोष ठहरेगी और गर्भिणी हो सकेगी। जलन की व्यवस्था यही है, चाहे कोई स्त्री अपने पति को छोड़ दूसरे की ओर फिर के अशुद्ध हो, चाहे पुरुष के मन में जलन उत्पन्न हो और वह अपनी स्त्री पर जलने लगे तो वह उसको यहोवा के सन्मुख खड़ी कर दे और याजक उस पर यह सारी व्यवस्था पूरी करे। तब पुरुष अधर्म से बचा रहेगा और स्त्री अपने अधर्म का बोझ आप उठाएगी।